हेलो डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ रुचिका चौक अब तक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स तो क्लियर हो गए होंगे आज हम उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो सीखेंगे तो आज का हमारा जो टॉपिक है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना पहले हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको मालूम है कि उसकी जो पावर मीन जो उसकी डिग्री है वो टू होनी चाहिए और यहाँ पर हम सिंगल वेरिएबल के साथ डील करते हैं और जहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पहले भी स्टडी की है इट हैज़ टू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जहाँ पर ए बी सी कॉन्स्टेंट है और x क्या है वेरिएबल है तो इस वेरिएबल की वैल्यू को निकालना ही माना जाता है कि हमें क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब जो भी आपको इक्वेशन दे दी जाएगी उस वेरिएबल की वैल्यू के निकालने के मेथड को ही बोला जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो और ये मेथड जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक नहीं है तीन मेथड है जिसमें पहला मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन सेकेंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर और थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अब हम इन तीनों मेथड को वन बाय वन स्टडी करेंगे सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फैक्ट्राइजेशन मैथड तो अब ये फैक्ट्राइजेशन मैथड क्या है हमें इसके साथ कैसे डील करना है मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ना आते हुए इसके स्टेप्स को पहले स्टडी करूँगी जो इसका एल्गोरिदम फॉलो होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन को कैसे मूव करना है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जब हम फैक्ट्राइजेशन की मैथड की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है वो देखते हैं सबसे पहला स्टेप है राइट द गिवन इक्वेशन ये इक्वेशन या तो आपको डायरेक्ट मिली होगी या फिर आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी उसमें आपको इक्वेशन को फॉर्म करना होगा ठीक वैसे ही जैसे हमने लीनियर इक्वेशन फॉर्म की थी यहां पर कुछ क्वेश्चन में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाया जाएगा तो स्टेप नंबर क्या कहता है कि राइट द गिवन इक्वेशन चाहे इक्वेशन गिवन है या हमने बनाई है इन स्टैंडर्ड फॉर्म कई बार क्या होता है इक्वेशन हम जो बनाते हैं या जो हमें मिली होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती है उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा और स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको मालूम ही है क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जहाँ पे x हम वेरिएबल लेते हैं और ए बी सी हम कॉन्स्टेंट लेते हैं ब्रैकेट में स्पेशली यहाँ पे मैंशनड है इफ़ इट्स नॉट गिवन इन स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब स्टेप वन को हम तभी टच करेंगे तभी हम अप्लाई करेंगे जब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड में नहीं है चलो अगर स्टैंडर्ड में नहीं है हमने उसको स्टैंडर्ड में कर लिया स्टैंडर्ड में करने के बाद हमें क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी मतलब कॉन्स्टेंट टर्म एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं सपोज मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली है इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो क्या लगता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रही है अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाती है तो हम स्टेप नंबर वन में क्या करेंगे स्टेप नंबर वन में हम क्या करेंगे ए बी सी जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होती है हमारी ए बी सी की वैल्यू ए मतलब कॉफिशियंट ऑफ टर्म जहां पे उसकी पावर टू है मतलब हम एक्स स्क्वायर की बात करेंगे एक्स स्क्वायर के आगे अगर कोई नंबर नहीं है वो कंसीडर होगा वन सेकेंड हमें निकालनी है बी बी हमारा कॉफिशियंट है उस वेरिएबल का जिसकी पावर वन है पावर वन मतलब यहाँ पे मिडिल टर्म हमें दिख रही है थ्री टर्म्स है मिडिल टर्म हमें एक्स दिख रही है तो उसका कॉफिशियंट है फाइव तो हम बी की वैल्यू क्या लिखेंगे फाइव सी हमारे कॉन्स्टेंट टर्म तीनों टर्म में हमारा जो सिक्स है वो कांस्टेंट टर्म है मतलब सिक्स विल बी द वैल्यू ऑफ सी हमारा यहाँ पे स्टेप नंबर वन खत्म होता है क्या करना है गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है अगर है तो ठीक है उसके बाद क्या करना है ए बी सी के वैल्यूज़ को शो करना है जो मैंने यहाँ पे शो कर दिया नेक्स्ट स्टेप नंबर टू में हमें क्या करना है फाइंड द प्रोडक्ट प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन किसका मल्टीप्लीकेशन करना है हमें ए एंड सी का ए क्या है यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल में ए की वैल्यू वन है सी की वैल्यू सिक्स है तो जो भी आपको ए एंड सिक्स की जो वैल्यूज़ मिल रही हैं आप उसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा ए इंटू सी ए इंटू सी मीन्स वन इंटू सी की वैल्यू क्या है सिक्स हमने ये कर दिया यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल लिया ए एन सी का प्रोडक्ट निकालने के बाद उन्होंने बोला एंड राइट इट इट मतलब ये जो हमें प्रोडक्ट मिला है एज़ अ सम ऑफ इट्स टू फैक्टर्स मतलब इस प्रोडक्ट को निकालने के बाद आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे इसके फैक्टर कई सारे हो सकते हैं लेकिन उन सभी फैक्टर्स को दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे और उसको सम के फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे सच दैट सम इज़ इक्वल टू बी बी मतलब क्या हुआ हमारा मिडल टर्म का कॉफिशेंट जो हम यहाँ पे फाइव दिखा चुके हैं तो करना क्या है हमें ए सी का जो प्रोडक्ट सिक्स आया है इसके हमें फैक्टर्स निकालना है अगर मैं फैक्टर्स की बात करूँ सिक्स इज़ इक्वल टू ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके सिक्स आया तो मैं वन से स्टार्ट करती हूँ वन इंटू सिक्स वन इंटू सिक्स हमें क्या देगा सिक्स तो सिक्स के अगर दो फैक्टर वन एंड सिक्स आए हैं अब इसको हम ऐड करेंगे वन एंड सिक्स को हम ऐड करेंगे हमें मिलेगा सेवन वो क्या होना चाहिए सच दैट द सम इज़ इक्वल टू बी बी हमारा है फ़ाइव तो क्या वन इंटू सिक्स जो मैंने हमने दो फैक्टर्स यहाँ पे दिखाए हैं क्या वन इंटू सिक्स इन दोनों को ऐड करके हमें मिडल टर्म मिल रही है नहीं मिल रही है तो ये जो फैक्टराइजेशन है यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा फिर हम सिक्स के और फैक्टर्स की बात करते हैं सिक्स ये भी बोला जाता है कि टू इंटू थ्री अगर ये टू इंटू थ्री है इन दोनों को ऐड करके देखते हैं टू इन टू थ्री हमें सिक्स दे रहा है लेकिन टू प्लस थ्री हमें क्या दे रहा है फाइव दे रहा है जो कि हमारे इस मिडल टर्म मतलब जो कॉफिशेंट ऑफ हमारा ये लीनियर वेरिएबल है उसका जो वैल्यू है उसके साथ इक्वल हो रहा है मतलब कि यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं तो इस इस स्टेप की हम बात करें तो जो प्रोडक्ट है ए एंड सी का उसको हमने दो फैक्टर में ब्रेक किया टू एंड थ्री इस तरह से ब्रेक करना है उन नंबर्स के साथ ब्रेक करना है कि उनका सम हमारे मिडल टर्म से बराबर होना चाहिए और वो बराबर है तो अगर वो बराबर है तो हम क्या करेंगे उसको इस तरह से लिखेंगे कि वो उसके सम की फॉर्म में आ जाए तो देखते हैं कैसे होगा हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एज़ इट इज़ लिखेंगे जो हमारा फाइव एक्स है उसको हम तोड़ देंगे हम उसको इस तरह से तोड़ेंगे दो नंबर में कि उन दोनों का सम वापस हमें फ़ाइव एक्स मिले लेकिन उनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट जो हमारा आएगा वो ए इंटू सी का प्रोडक्ट और ए इंटू सी का प्रोडक्ट जैसे मैंने अभी आपको दिखाया वो क्या होना चाहिए सिक्स होना चाहिए तो फाइव एक्स को हम कैसे ब्रेक करेंगे हम ब्रेक कर सकते हैं थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमने क्या किया फ़ाइव एक्स को ब्रेक कर दिया फ़ाइव एक्स को स्प्लिट कर दिया किन दो नंबर में स्प्लिट किया थ्री एक्स एंड टू एक्स में स्प्लिट किया क्योंकि स्प्लिटिंग के बाद आप देख सकते हैं कि दोनों को ऐड करके फाइव एक्स मिल रहा है और अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ थ्री इंटू सिक्स ये सिक्स क्या है ए और सी का प्रोडक्ट जो हम पहले दिखा चुके हैं सिक्स तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना है आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टेप नंबर थ्री जैसे उन्होंने बताया स्प्लिट बी एज द सम ऑफ फैक्टर्स ऑप्टेन इन स्टेप टू जो फैक्टर्स हमने दिखाए थे टू एंड थ्री उसको स्प्लिट करके दिखा देना वो हम यहाँ पे कर चुके हैं आगे देखते हैं अगला स्टेप क्या है अगला स्टेप है ग्रुप द टर्म्स इन एल एच एस मतलब लेफ्ट एंड साइड जो हमारी लेफ्ट एंड साइड है उनमें हमें क्या करनी है ग्रुपिंग करनी है हमें यहाँ फोर टर्म्स दिख रही है इस तरह से ग्रुपिंग करनी है सो दैट वी कैन फाइंड द फैक्टर्स तो हम यहाँ ग्रुपिंग करने स्टार्ट करते हैं ग्रुपिंग कैसे करेंगे फोर टर्म्स हैं मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड को एक साथ रख दिया टू एक्स प्लस सिक्स को एक साथ रख दिया ग्रुपिंग हमें ऐसे करनी है कि दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकले एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स की बात करें तो यहाँ पे कॉमन निकल रहा है कॉमन क्या है एक्स अगर एक्स कॉमन है तो अंदर हमें क्या मिलेगा इस एक्स स्क्वायर का एक एक्स बाहर आ गया तो अंदर हमें मिलेगा एक्स प्लस थ्री एक्स का एक एक्स अगर बाहर आ गया तो हमें अंदर मिलेगा थ्री इन दोनों टर्म की बात करें तो इन दोनों टर्म में टू कॉमन है प्लस टू अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर हमें क्या मिलेगा एक्स प्लस थ्री ये हमारी एल में हमने आगे फर्दर सॉल्व किया इक्वल टू जीरो आर हमारा जीरो ही रहेगा जब भी हम ग्रुपिंग कर रहे हैं और कॉमन निकाल रहे हैं कॉमन निकालने के बाद आप एक चेक लगाएंगे यहाँ पे कि जो ब्रैकेट टाइप की टर्म्स हैं वो सेम आनी चाहिए और यहाँ पर सेम आ रही है अगर सेम आ रही है इसका मतलब हमने जो भी कैलकुलेट अभी तक किया है वो ठीक किया है जो हमारी स्प्लिटिंग हुई है मिडल टर्म की वो ठीक हुई है इस फैक्ट्राइजेशन मेथड को हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म भी कहते हैं क्योंकि हमने मिडल टर्म को स्प्लिट किया है इन यू नो फंक्शन और इन द फॉर्मेशन ऑफ इस तरह से स्प्लिट किया है कि वो फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए आगे अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं x प्लस थ्री इसके पास भी है x प्लस थ्री इसके पास भी है तो x प्लस थ्री कॉमन आ जाएगा अगर x प्लस थ्री कॉमन आया बाहर गया तो अंदर यहाँ से हमें x मिलेगा प्लस इसका x प्लस थ्री अगर बाहर आया तो अंदर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा x प्लस टू इज एक टू ज़ीरो हम क्या कर चुके हैं यहाँ पे फैक्टर्स निकाल चुके हैं अगर हमारे पास फैक्टर्स आ गए अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे वो देखते हैं स्टेप नंबर फाइव ये हमारा लास्ट स्टेप रहेगा फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए नाउ इक्वेट ईच फैक्टर ये जितने भी फैक्टर्स आए इनको इक्वेट करना है किसके साथ करना है जीरो जीरो के साथ क्यों करना है क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारा ज़ीरो है इस तरह से इक्वेट करना है ताकि हमारे रूट्स निकल जाएँ अब ये रूट्स का मतलब क्या होता है हमने क्वेश्चन में क्या किया है फैक्टराइजेशन मैथड हम क्यों लगा रहे हैं हम इससे लगा रहे हैं ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होने का मतलब ही यही है हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और जो एक्स की वैल्यू होती है वो रूट्स होते हैं मतलब फाइनली हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है उसको आप रूट्स बोलो एक्स की वैल्यू बोलो या फाइनली सोल्यूशन बोलो ये सब बातें एक ही हैं तो अगर मैं इसको इक्वेट करती हूँ तो इक्वेट कैसे होगा हम इसको डिवाइड कर देते हैं एक बार x प्लस थ्री को इक्वेट करेंगे ज़ीरो के साथ और एक बार x प्लस टू को इक्वेट करेंगे ज़ीरो के साथ इक्वेट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है एक्स की वैल्यू यहाँ पे थ्री अगर उधर जाएगा तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस थ्री इस केस में और एक्स प्लस टू में टू वहाँ जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस टू तो उस इक्वेशन के हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स अगर हम ये फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं इन पांच स्टेप्स की हेल्प से तो फाइनली हमें जो आंसर मिल रहा है जो सॉल्यूशन मिल रहा है जो रूट मिल रहे हैं और जो वैल्यू मिल रही है एक्स की वो है फाइनल आंसर एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स इज़ इक्वल टू माइनस टू यहाँ पर एक बात और नोटिस करने वाली है कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हमने पहले भी पढ़ा है पोलिनोमियल चैप्टर में हमने इसके ग्राफ भी बनाए हैं अगर आपको याद होगा हमने ग्राफ इसके कुछ इस तरह से बनाए थे पैराबोला शेप में मे बी इन्वर्टेड यू और ये वाला यू। अगर ये एक्सेस से टच हो रहा था तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि दो पॉइंट पे टच करेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशनस होंगे और वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कुछ केसेस में वन सोल्यूशन भी मिलेगा कुछ केसेस में सोल्यूशन नहीं मिलेंगे वो हम इस चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे फिलहाल हमारा डिस्कशन जो है वो फैक्ट्राइजेशन मेथड पे है तो फैक्ट्राइजेशन मेथड में हमें ये पांच स्टेप्स को फॉलो करना है तो कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं ताकि हमारे डाउट्स वहाँ पर ना रहें तो क्या है हमारे क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने शो किया है सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो बाय फैक्टराइजेशन मेथड अब आपको देखने से ही क्लियर हो रहा है कि जो हमें इक्वेशन दी गई है वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में क्यों है क्योंकि यहाँ पे पावर आपको दिख रही है टू है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इक्वालिटी भी वहाँ पर होनी चाहिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन हमारा क्या था हमें गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है अगर नहीं है बट ये ऑलरेडी है तो हमें लाने की जरूरत नहीं है अगर यह है तो वहां पर हम फ्रेम करेंगे फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स ए बी एंड सी तो देखते हैं वैल्यू ऑफ ए बी सी क्या है इक्वेशन है हमारे यहां पे एक्स स्क्वाइनस फोर्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो जहां पर वैल्यू ऑफ ए एक किसकी वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर के कॉफिशियट स्क्वायर का कॉफिशेंट आगे कुछ नहीं है तो वन लेंगे बी बी मिडल टर्म का कॉफिशेंट मिडल टर्म हमारी माइनस फोर्टीन एक्स है तो मिडल टर्म के हिसाब से कॉफिशेंट यहाँ क्या बनेगा माइनस फोर्टीन और सी सी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म हमें दिख रही है वो क्या है ट्वेंटी फोर स्टेप नंबर वन हमारा यहाँ पे हो चुका है स्टेप नंबर टू में हमने डिस्कस किया था फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म मतलब कि कॉफिशेंट फर्स्ट टर्म का कॉफिशेंट वन आया लास्ट टर्म मतलब कांस्टेंट का ट्वेंटी फोर इन्हें हमें क्या करना है मल्टीप्लाई ये पोर्शन हम रफ में दिखा सकते हैं और जो फाइनल हमारे स्टेप फॉर्मेशन है जो हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की थी वो हम यहाँ दिखा सकते हैं तो यहाँ रफली अगर मैं देखूँ ए इं टू सी ए इंटू सी मीन्स वन इंटू ट्वेंटी फ़ोर तो ए और सी का जो प्रोडक्ट है वो ट्वेंटी फोर आ चुका है अब इस प्रोडक्ट के हमें क्या करना है फैक्टर्स निकालने अगर मैं फैक्टर्स निकालूँ तो मल्टीपल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं तो प्राइम फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली ये क्या होगा अगर मैं टू से स्टार्ट करती हूँ टू ट्वेल्व आर ट्वेंटी फ़ोर टू सिक्स आर ट्वेल्व टू थ्री आर सिक्स एंड नाउ थ्री वनज़ आर थ्री तो 24 के फैक्टर्स हमने यहाँ चार फैक्टर्स निकाल लिए टू इंटू टू इंटू टू एट इंटू थ्री ट्वेंटी फोर आ चुका है अब ये सारे फैक्टर्स को दो नंबर में हमें चेंज करना दो नंबर में के कॉम्बिनेशन में लेना है वो दो नंबर जिसको ऐड करके क्या मिलना चाहिए माइनस फोर्टीन मिलना चाहिए तो अगर मैं लेती हूँ ये सिर्फ अकेला नंबर टू और इनको कम्बाइन करती हूँ तो ये तो रह गया टू कम्बाइन किया टू टू ज फोर फोर थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व एंड टू की अगर हम बात करें ट्वेल्व एंड टू को ऐड करके क्या मिल रहा है क्या हमें फोर्टीन मिल रहा है हाँ मिल रहा है और अगर ट्वेल्व को हम यहाँ पे इंटू टू करें तो 24 तो क्लियरली हमें पता लग रहा है कि सारे फैक्टर्स को दो के कॉम्बिनेशन में लेंगे इस तरह से लेंगे कि ऐड करके आना चाहिए 14 तो 12 एंड 2 को मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ मिल जाएगा 14 लेकिन यहां पे हमें 14 नहीं चाहिए यहाँ पे हमें b की वैल्यू क्लियरली दिख रही है माइनस फोर्टीन तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए माइनस फोर्टीन तो ऐड करके ट्वेल्व एंड टू को कैसे ऐड करें कि माइनस आए तो समझ में आपको आ गया होगा ट्वेल्व एंड टू को ऐड नहीं करना माइनस ट्वेल्व और माइनस टू को ऐड करना तो स्टार्ट करता है यहाँ पे, एक्स स्क्वेर माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस टू एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इज़ इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पर हम स्टेप नंबर थ्री को यूज़ कर चुके हैं आप पीछे एक बार वीडियो को लेके जाके आप सारे स्टेप्स देख सकते हैं और फिर यहाँ पर आके मूव करके कंपेयर कर सकते हैं स्टेप नंबर थ्री क्या था स्प्लिट द मिडल टर्म मिडल टर्म क्या है हमारे बी ये इस तरह से स्प्लिट करना दो नंबर में जिसको सम करके माइनस फोर्टीन आए तो यहाँ पर माइनस ट्वेल्व एक्स एंड माइनस टू एक्स हमें देगा माइनस फोर्टीन एक्स और माइनस ट्वेल्व इंटू माइनस टू दोनों माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा और ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर जो कि हमारा ए और सी का प्रोडक्ट है मतलब हम ठीक चल रहे हैं तो एक बार हमने स्प्लिट कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या था नेक्स्ट था हमें ग्रुपिंग करनी है तो अगर मैं ग्रुपिंग करती हूँ एक्सक्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स एंड माइनस टू एक्स प्लस ट्वेंटी फोर और कॉमन निकालने की कोशिश करती हूँ तो देखते हैं कि हमें अंदर ब्रैकेट में क्या मिल रहा है तो एक्सक्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स का कॉमन एक्स है अंदर हमें मिलेगा एक्स माइनस ट्वेल्व माइनस टू एक्स प्लस ट्वेंटी फोर अंदर माइनस चाहिए इस ब्रैकेट में भी अंदर माइनस चाहिए तो बाहर मैं क्या करूँ कि अंदर माइनस हो येस यू आर राइट बाहर हम माइनस ले लेते हैं एंड टू एंड ट्वेंटी फोर में कॉमन क्या है टू कॉमन है तो टू भी मैंने बाहर ले लिया तो अंदर माइनस टू एक्स का माइनस टू बाहर आ चुका है तो अंदर क्या मिलेगा एक्स बाहर यहाँ माइनस है अंदर प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा एंड माइनस टू बाहर है अंदर ट्वेंटी फोर है तो अंदर हमें लिखना होगा ट्वेल्व इज इक्वल टू ज़ीरो हमने क्या किया ग्रुपिंग के बाद कॉमन निकाले आप इसी स्टेप में एक बार पॉज लेंगे और चेक करेंगे कि दोनों ब्रैकेट वाली जो टर्म्स हैं जो अंदर हमें नंबर्स दिए हैं वो सेम होने चाहिए अगर वो सेम है मतलब आपके सारी कैलकुलेशन ठीक है नहीं तो आप दोबारा चेक करेंगे अगर यहाँ पर डिफ्रेंसेज आते हैं नेक्स्ट हम क्या करेंगे इन पूरे में से कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे x माइनस ट्वेल्व इस टर्म के पास भी है x माइनस ट्वेल्व इस टर्म के पास भी है तो x माइनस ट्वेल्व कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस ट्वेल्व कॉमन आ गया तो इस पूरी टर्म में एक्स बचा हमारे पास और इस पूरी टर्म में माइनस टू बचा इज इक्वल टू जीरो तो इस स्टेप में हमने क्या किया ये हमारा स्टेप नंबर फोर है इस स्टेप में हमने क्या किया फैक्टर्स निकाले फैक्टर्स कैसे निकाले ग्रुपिंग करके कॉमन निकाल के फैक्टर्स आ चुके हैं अब हम स्टेप नंबर फाइव में आएंगे फाइनल स्टेप में आएंगे फाइनल स्टेप में क्या करना है इन फैक्टर्स को जीरो के साथ इक्वेट करना है तो इक्वेट करते हैं यहां सेपरेट कर देते हैं एक्स माइनस ट्वेल्व को भी जीरो के साथ लिखा जाएगा और x माइनस टू को भी ज़ीरो के साथ इक्वेट करके लिखा जाएगा स्टेप नंबर फाइव में फैक्टर्स को ज़ीरो के साथ इक्वेट करके रूट्स निकालने सॉल्व करने तो यहाँ से देख सकते हैं आप x की वैल्यू माइनस ट्वेल्व जब उधर जाएगा तो ये प्लस ट्वेल्व मिलेगा और माइनस टू जब उधर जाएगा तो प्लस टू मिलेगा तो ये इस इक्वेशन का फाइनल आंसर है हमने सॉल्व करके एक्स की वैल्यू दिखानी है जो कि वैल्यू है ट्वेल्व एंड टू दो वैल्यूज क्यों आई है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम फैक्टराइजेशन के ऊपर ही वो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर टू सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यहाँ बात हो रही है अब ये थोड़ी डिफरेंट फॉर्म में रूट्स के फॉर्म में थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स किया हुआ है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और हो जब हमारे रूट्स के नंबर आ जाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां आप देख सकते हैं फोर रूट थ्री एक्स स्क्वेर प्लस फाइव एक्स माइनस टू रूट थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो एंड बाय विच मेथड द मेथड इज़ सेम मेथड इज़ फैक्टराइजेशन मेथड वही पांच स्टेप्स को हम फॉलो करके सॉल्व करके दिखाएंगे सॉल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स की वैल्यू या टू होंगी या वन होंगी या को, कोई भी वैल्यू नहीं भी हो सकती है मैक्सिम वैल्यू टू होनी चाहिए मैं फिर से रिपीट करूंगी ये जो वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए क्वाड्रेटिक से हमें क्लियर होती है लेकिन एक्चुअली कैसे पता

फाइव एक्स माइनस टू रूट थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो स्टेप नंबर वन क्या कहता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ वो पहले से ही है तो हमने एज इट इज़ लिख दिया उसके बाद रफली हम क्या करेंगे ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ए की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है वो है फोर रूट थ्री बी की वैल्यू जो हमारी मिडिल टर्म है मिडिल टर्म फाइव एक्स है तो कॉफिशेंट बनेगा एक्स का फाइव मतलब बी हमारा होना चाहिए फाइव और सी हमारी कॉन्स्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस टू रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री स्टेप नंबर वन हो गया हमारा स्टेप नंबर टू में हमें ए और सी को मल्टीप्लाई करना है तो ए इंटू सी हमें क्या देगा फोर रूट थ्री इंटू टू रूट थ्री फोर इंटू टू एट रूट थ्री इंटू रूट थ्री आपको मालूम है रूट नाइन और रूट नाइन क्या होता है थ्री सो so यहाँ पर हम लिख सकते हैं एट इंटू थ्री ये हमें देगा ट्वेंटी फोर हमने प्रोडक्ट कर लिया अब इस ट्वेंटी फोर के फैक्टर्स निकाले जाएंगे फैक्टर्स कई सारे हो सकते हैं बट हमें वो दो फैक्टर्स लेने हैं जिसको सम करके हमें क्या मिलना चाहिए फाइव एक्स तो ट्वेंटी फोर को अगर मैं फैक्टर्स की बात करूँ तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे टू ट्वेल्व ज़ा देन टू सिक्स ज़ा देन टू थ्री ज़ार तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स मिले टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री लेकिन चार नहीं दो में हमें कन्वर्ट करना है तो कोई दो में कन्वर्ट करूं अगर मैं टू को अलग रख दूं एंड टू टू एंड थ्री को अलग रख दूं तो ये बन जाएगा टू एंड ट्वेल्व टू एंड ट्वेल्व को अगर मैं ऐड करूं तो वो हमें देगा फोर्टीन जो कि मिडल टर्म के इक्वल होना चाहिए यहाँ पर यह नहीं हो रहा फिर हम कुछ और कॉम्बिनेशन लेते हैं टू इंटू टू फोर अलग लेते हैं टू इंटू थ्री सिक्स अलग ले लेते हैं तो फोर इंटू सिक्स क्या होता है फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर होता है एंड फोर प्लस सिक्स टेन होता है क्या वो मिडल टर्म के इक्वल है नहीं है कुछ और कॉम्बिनेशन लेते हैं टू इंटू टू इंटू टू लेते हैं हम जो कि देगा एट एंड एट इंटू थ्री क्या होता है ट्वेंटी फोर एट प्लस थ्री क्या होता है इलेवन जो कि फ़ाइव नहीं है लेकिन यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है एडिशन में हम एडिटिव इन्वर्स भी ले लेते हैं तो ज़रूरी नहीं आप ऐड करो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं तो एट प्लस थ्री एलेवन दे रहा है जो आपको यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते लेकिन एट माइनस थ्री फाइव दे रहा है तो हम एट एंड थ्री का कॉम्बिनेशन यहाँ पे ले सकते हैं और एडिटिव इन्वर्स के साथ लेंगे ताकि हम सब्ट्रैक्शन को शो कर पाएँ तो कैसे लेते हैं वो देखते हैं फोर रूट थ्री एक्स स्क्वेर अब हमें फाइव एक्स को ऐसे स्प्लिट करना है एडिटिव इनवर्स के साथ कि वो हमारा कॉम्बिनेशन बने एट एंड थ्री का क्योंकि एट इन थ्री हमें क्या देगा ट्वेंटी फोर देगा अगर मैं यहाँ बात करूँ यहाँ पे ए की वैल्यू फोर रूट थ्री है बी की वैल्यू फाइव है सी की वैल्यू माइनस टू रूट थ्री है तो यहाँ पे माइनस टू रूट थ्री के अकॉर्डिंगली माइनस ट्वेंटी फोर मिलना चाहिए सो ए इंटू सी ट्वेंटी फोर नहीं है माइनस ट्वेंटी फोर है तो हमें कुछ ऐसे नंबर लेने हैं दो नंबर लेने हैं एक को पॉजिटिव रखना है एक को नेगेटिव रखना है और वो क्लियरली पता लग रहा है ए एंड थ्री में एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो फाइनली हमें सब्ट्रैक्शन ही मिलेगी और सब्ट्रैक्शन में हमें क्या मिलना चाहिए फाइव क्योंकि फाइव प्लस के साथ है तो क्लियर यहाँ हो रहा है कि बड़ा नंबर प्लस होना चाहिए सो so, ये होगा प्लस एट एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो अब एट एक्स एंड थ्री एक्स को ध्यान से देखें ये एट एक्स माइनस थ्री एक्स है जो एड होने के बाद फाइव एक्स देगा और एट एक्स इंटू माइनस थ्री एक्स एट इंटू माइनस थ्री मल्टीप्लाई होके देगा माइनस ट्वेंटी फोर ये ट्वेंटी फोर नहीं था ये माइनस ट्वेंटी फोर था क्योंकि सी की वैल्यू नेगेटिव थी तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन हमारा सेट हो रहा है अगले स्टेप में हम क्या करेंगे ग्रुपिंग करके कॉमन देखेंगे वो कॉमन वाली टर्म अगर सेम है तो वहाँ हमें क्लियर हो जाएगा कि हम करेक्ट चल रहे हैं नहीं तो ग्रुपिंग करते हैं फोर रूट थ्री एक्स स्क्स एट एक्स की ग्रुपिंग कर दी माइनस थ्री एक्स माइनस टू रूट थ्री ग्रुपिंग कर दी तो कॉमन क्या फोर एक्स कॉमन आएगा कॉमन आ जाएगा तो अंदर हमें क्या मिलेगा रूट थ्री एक्स प्लस टू यहां पर अगर हम बात करें तो माइनस माइनस दोनों में कॉमन आएगा माइनस कॉमन ले लिया इसके पास थ्री है इसके पास रूट थ्री है थ्री बेसिकली रूट थ्री इंटू रूट थ्री होता है क्योंकि रूट थ्री इंटू रूट थ्री रूट नाइन और रूट नाइन मतलब थ्री तो थ्री को हम एज्यूम कर सकते हैं माइंड में रूट थ्री इंटू रूट थ्री तो इसके पास रूट थ्री दो बार है इसके पास रूट थ्री एक बार है तो एक बार कॉमन ले सकते हैं तो अंदर क्या मिला थ्री में से जो रूट थ्री इंटू रूट थ्री किया रूट थ्री बाहर आ गया तो अंदर क्या मिला बचा हुआ रूट थ्री एक्स बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस रूट थ्री अगर बाहर है तो अंदर हमें क्या मिला टू इज इक्वल टू जीरो अब आप देखो ये ब्रैकेट्स की टर्म सेम है सेम है मतलब हमने अभी तक ठीक किया अब क्या करेंगे कॉमन लेंगे कॉमन है रूट थ्री एक्स प्लस टू अगर ये कॉमन है तो इस पूरे टर्म में क्या बचा फोर एक्स यहाँ से ये हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ हमें क्या मिला माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो अब हमें क्या करना है फैक्टर्स हमें मिल चुका है फैक्टर्स को जीरो के साथ इक्वेट करना है और यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है निकालते हैं हम यहाँ पर ये यह होगा रूट थ्री एक्स प्लस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो ये होगा फोर एक्स माइनस रूट थ्री इज़ इक्वल टू ज़ीरो हमें मिलेगा ये एक्स इज़ इक्वल टू टू उधर जाके माइनस टू रूट थ्री उधर जाके अपोन तो ये हमारा x का पहला रूट आ चुका है x की पहली वैल्यू आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन आ चुका है नेक्स्ट में इस साइड अगर हम देखें ये हमें देगा x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री उधर जाके प्लस रूट थ्री और जब बाद में फोर लेके जाएंगे तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो दो आंसर्स आ रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फर्स्ट है माइनस टू अपॉन रूट थ्री और नेक्स्ट है हमारा रूट थ्री बाय फोर एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मेथड वही रहेगा फैक्टराइजेशन मेथड लेकिन इस बार हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी गई इस बार हमें वर्ड प्रॉब्लम दी गई है तो पहले क्या करना है वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ठीक वैसे ही बनाएंगे जैसा लीनियर में किया था लीनियर इक्वेशन में बट लीनियर इक्वेशन के केस में हम क्या करते थे दो वेरिएबल लेते थे दो इक्वेशन बनाते थे यहाँ पर हम सिंगल वेरिएबल के साथ जो इक्वेशन फॉर्म होंगे उनको ऐसा कॉम्बिनेशन देंगे कि फाइनली सॉल्व करके हमें क्वाड्रेटिक ही मिलेगा एक बार चेक करते हैं कैसे क्वेश्चन है जॉन एंड टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मतलब अगर दोनों के मार्बल्स को ऐड करें तो टोटल 45 है बोथ ऑफ देम लॉस्ट फाइव मार्बल्स ईच अगर दोनों पाँच पाँच, अगर उनके गुम हो जाते हैं देन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव पाँच पाँच गुम होने के बाद अब जो उनके पास मार्बल्स हैं उनको अगर हम प्रोडक्ट करें मतलब मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा वन ट्वेंटी फ़ोर फाइंड हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद क्वेश्चन सिमिलर लग रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह बट वहाँ पर हम दो वेरिएबल एज्यूम करते थे यहाँ पर हम एक ही वेरिएबल एज्यूम करेंगे तो अगर मैं जॉन के मार्बल्स को एक्स ले लेती हूँ तो जीवंती के मार्बल्स क्या होंगे टोटल फोर्टी फाइव है उसमें से कुछ जॉन को चले गए तो जेवंती को कितने जाएंगे फोर्टी फाइव में से वो माइनस जो हमने जॉन को दे दिया अगर जॉन के एक्स हो जाएंगे तो जीवंती के क्या होंगे टोटल माइनस जॉन के टोटल माइनस एक्स मतलब फोर्टी फाइव माइनस एक्स कैसे वो देखते हैं एज्यूम करते हैं हम जॉन के मार्बल से लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स कैरेट बाय जॉन इज इक्वल टू एक्स अगर जॉन के पास एक्स है तो फिर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कैरेट बाय अदर पर्सन इज जीवंती तो उसके पास कितने होंगे उसके पास होंगे फोर्टी फाइव माइनस जॉन जॉन के कितने हैं एक्स तो ये हमारी अजम्पशन हो जाती है जॉन के लिए एक्स हो जाता है जीवंती के लिए क्वेश्चन के हिसाब से 45 एक्स हो जाता है अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8t q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगर दोनों के 5-5 मार्बल ईच मतलब दोनों के गुम हो जाते हैं दे आर लॉस्ट विद फाइव मार्बल ईच मतलब दोनों के पांच मार्बल्स कम हो गए जॉन के भी कम हो गए जॉन के कम होने का मतलब एक्स माइनस फाइव हो गया जीवंती के कितने हो गए फोर्टी फाइव माइनस एक्स तो जीवंती के पास है ही उसके भी माइनस फाइव कर देने हैं तो दोनों को मैंने ब्रैकेट में दिखा दिया माइनस फाइव हो जाने पर क्या करना है प्रोडक्ट जितना उनके पास अब है उसका प्रोडक्ट दोनों ब्रैकेट के बीच में अगर मैं कुछ नहीं लिख रही वो प्रोडक्ट ही माना जाएगा मतलब इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो रिजल्टेंट कितना होना चाहिए वन ट्वेंटी फोर तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारी इक्वेशन बन जाएगी अब हमें इसे सॉल्व करना है अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड लगाऊं तो स्टेप नंबर वन क्या कहता है स्टेप नंबर वन क्या कहता है कि हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सॉल्व करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे तो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं वो देखते हैं एक्स माइनस फाइव को मैं एज इट इज रखती हूँ फोर्टी फाइव माइनस एक्स माइनस फाइव फोर्टी फाइव माइनस फाइव अगर हम करें तो फोर्टी हो जाएगा और माइनस एक्स इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फोर अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट को खोल रही हूं एक्स इन टू इस ब्रैकेट को रखते हैं फोर्टी माइनस एक्स अब इस ब्रैकेट का एक्स यहाँ ले लिया तो आगे लेंगे हम माइनस फाइव इंटू फोर्टी माइनस एक्स राइट एंड साइड में वन ट्वेंटी फोर पहले से ही है हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो so, x इंटू फोर्टी 40 होगा फोर्टी एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स हमें देगा एक्स स्क्र माइनस फाइव इंटू फोर्टी ये हमें देगा टू हंड्रेड माइनस फाइव इंटू माइनस एक्स हमें देगा प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फोर फर्दर सॉल्व करते हैं और देखते हैं आगे हमें क्या मिलेगा एक्स के टर्म देखते हैं फोर्टी एक्स एंड फाइव एक्स ये बन जाएगा फोर्टी फाइव एक्स माइनस एक्स स्क् माइनस टू हंड्रेड और ये वन ट्वेंटी फोर अगर मैं इधर ले आती हूँ तो माइनस वन ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो मैं लेफ्ट में क्यों लेकर आई हूँ क्योंकि आर एच एस हमें जीरो चाहिए फर्दर सॉल्व करते हैं ये मिलेगा फोर्टी फाइव एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू हंड्रेड माइनस वन ट्वेंटी फोर एड हो जाएगा ये हमें देगा माइनस थ्री टू फोर इज इक्वल टू जीरो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा पहले हायर पावर पहले आएगी उसके बाद ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता रहेगा तो उसके अकॉर्डिंगली माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी फाइव एक्स माइनस थ्री ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो इसको अगर एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट अगर नेगेटिव है इसको प्लस करना तो सबके साइन चेंज करने होंगे तो वो करते हैं यहाँ पर माइनस एक्सक्वायर को मैंने प्लस एक्सक्वायर लिखा तो प्लस फोर्टी फाइव हो जाएगा माइनस फोर्टी फाइव एक्स माइनस थ्री ट्वेंटी फोर हो जाएगा प्लस थ्री ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू ज़ीरो अब हमारा स्टेप नंबर वन फैक्ट्राइजेशन मेथड का स्टार्ट करें तो स्टेप नंबर वन कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है ए की वैल्यू यहाँ पे वन है बी की वैल्यू माइनस फोर्टी फाइव है और सी की वैल्यू क्या है थ्री ट्वेंटी फोर अब हमने क्या करना है ए और सी की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है ए वन है सी थ्री ट्वेंटी फोर है तो ए इंटू सी क्या होगा थ्री ट्वेंटी फोर अब इसके फैक्टर्स निकालने के बाद काफ़ी सारे फैक्टर्स को दो कॉम्बिनेशन में इस तरह से लेंगे कि उनको ऐड करके माइनस फोर्टी फाइव मिलना चाहिए तो कैसे लेंगे थ्री ट्वेंटी फोर के अगर मैं फैक्टर्स लेती हूँ टू वन ज़ार टू सिक्स ट्वेल्व टू टू ज़र फोर देन टू एट वन देन थ्री टू सेवन देन अगेन थ्री नाइन देन थ्री थ्री ज़ार थ्री वन जा कितने फैक्टर्स मिले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इन छः फैक्टर को दो के कॉम्बिनेशन में इस तरह करना है कि ऐड करके माइनस फोर्टी फाइव आए तो कैसे आएगा यहाँ चेक करते हैं अगर मैं टू टू ज़ा फ़ोर ले लेती हूँ और बाकी थ्री थ्री ज़ा नाइन नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी सेवन थ्री ज़ा एटी वन तो फ़ोर और एटी वन को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कहीं पे भी फ़ोर्टी फाइव नहीं मिलने पा नहीं मिल पाएगा आगे चलते हैं टू टू ज़ा फोर फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व एक बार ट्वेल्व ले लेते हैं एंड थ्री थ्री ज़ा नाइन नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेल्व के कॉम्बिनेशन अगर हम देखें ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेल्व सब करो या ऐड करो नाइन थ्री थर्टी नाइन कहीं से फोर्टी फाइव नहीं बन रहा आगे हम चलते हैं टू टू ज़ा फोर फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व ट्वेल्व थ्री ज़ा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आगे क्या है थ्री थ्री ज़ा नाइन अब ये थर्टी सिक्स एंड नाइन को अगर हम ऐड करें तो कितना मिल रहा है सिक्स एंड नाइन फिफ्टीन थ्री एंड वन फोर फोर्टी फाइव मिल चुका है तो ये हमारे दो नंबर्स आ चुके हैं बट थर्टी सिक्स एंड नाइन को कैसे ऐड करेंगी माइनस फोर्टी फाइव हो ये तभी होगा जब दोनों हमारे नेगेटिव होंगे तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर स्टेप नंबर फर्दर स्टेप में हमें क्या करना है इसको स्प्लिट करना है कैसे स्प्लिट करेंगे माइनस फोर्टी फाइव को लिखेंगे माइनस थर्टी सिक्स वही दो नंबर्स माइनस थर्टी सिक्स एक्स माइनस नाइन एक्स प्लस थ्री ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू ज़ीरो ग्रुपिंग करेंगे स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स एक्स और अगर एक्स कॉमन ले तो अंदर हमें मिलेगा एक्स माइनस थर्टी सिक्स यहाँ ग्रुपिंग करें माइनस नाइन एक्स प्लस थ्री ट्वेंटी फोर अंदर क्योंकि यहाँ माइनस चाहिए ये प्लस है तो बाहर माइनस लेना होगा नाइन मैंने बाहर ले लिया कॉमन तो अंदर हमें मिलेगा एक्स माइनस बाहर है तो प्लस का हो जाएगा माइनस थ्री ट्वेंटी फोर को अगर हम नाइन से डिवाइड करें तो नाइन थ्री ज ट्वेंटी सेवन एंड थर्टी टू माइनस ट्वेंटी सेवन फाइव एंड नाइन सिक्स फिफ्टी फोर हमें यहाँ थर्टी सिक्स मिल रहा है आप डिवाइड करके देख लेना इज इक्वल टू जीरो फर्दर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा x माइनस थर्टी सिक्स कॉमन एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो इसके बाद हमें क्या करना है इक्वेट करना है इक्वेट करते हैं एक्स माइनस थर्टी सिक्स को इक्वेट करेंगे ज़ीरो से तो x की वैल्यू हमें मिलेगी थर्टी सिक्स दूसरा फैक्टर है x माइनस नाइन एक्स माइनस नाइन को अगर हम इक्वेट करेंगे जीरो से तो एक्स की वैल्यू मिली नाइन क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो आंसर्स यहाँ आ रहे हैं एक थर्टी सिक्स एंड नाइन तो इस जो वर्ड uh, प्रॉब्लम है फाइनल जो हमारी वैल्यू आ रही है एक्स की वैल्यू थर्टी सिक्स भी आ रही है एक्स की वैल्यू नाइन भी आ रही है तो एक वर्ड प्रॉब्लम में दो आंसर कैसे हो सकते हैं हमने इनिशियली एज्यूम किया था जॉन की वैल्यू जो है वो x है तो अगर मैं x की वैल्यू 36 लेती हूँ तो जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे 45 फाइव माइनस थर्टी वो हो जाएंगे 9 मतलब अगर आप जॉन के लिए 36 ले रहे हो तो जीवंती 9 आएगा अगर आप जॉन के लिए 9 ले रहे हो तो जीवंती 36 आएगा दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हमारी अप्लाई हो हो सकती है दोनों को ऐड करें थर्टी सिक्स एंड नाइन फोर्टी फाइव मार्बल्स भी आ रहे हैं तो फाइनली हम एक नंबर लेके बोल सकते हैं देर फोर द मार्बल्स कैरेट बाय जॉन थर्टी सिक्स एंड मार्बल्स कैरेट बाय जीवंती इज नाइन ये हमारा फाइनल आंसर है तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है जो फर्दर दो मेथड मेथड्स हमारे रह गए हैं उनको हम अपने अगले वीडियो में स्टडी करेंगे और इन क्वेश्चन को लेके आपको जो भी डाउट आता है आप वो कमेंट सेक्शन पर डाल सकते हैं तब तक आप रिवाइज करते रहें मेरे ये जितने भी मैथड्स हैं उनको आगे स्टडी करते हुए